नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल दिवा स्टडी पर। तो एक तो बात करेंगे हम बीएड फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप से रिलेटेड। तो बीएड और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप है वो कब तक स्टार्ट होगी, और दूसरी बात जो बीएड सेकंड ईयर का जिनको स्कूल कल अलॉट हुई है, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे भी हैं जिन्हें स्कूल अलॉट नहीं हुई है, तो उनका क्या होगा, वो सब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहले हम सेकंड ईयर की बात कर लेते हैं, फिर फर्स्ट ईयर का मैं आपको बता देता हूँ। देखो सेकंड ईयर बीएड सेकंड ईयर अगर किसी को स्कूल अलॉट नहीं हुई है, जो जयपुर की कॉलेज है वहां पर तो बहुत सारी जो कॉलेज है उनके पूरे किसी पूरी जो कॉलेज है उसमें किसी भी स्टूडेंट को क्या स्कूल अलॉट नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्कूल अलॉट नहीं हुई है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनको अभी क्या सेकंड राउंड का वेट करना होगा, ठीक है। और सेकंड राउंड आपका हो सकता है कि जो फर्स्ट ईयर का राउंड होगा उसके साथ हो जाए, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर वाला राउंड है उसके साथ आपका सेकंड राउंड हो सकता है, या फिर अलग से आपका सेकंड राउंड करवा सकते हैं। पिछली बार की जो इंटर्नशिप थी वो क्या जुलाई में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जुलाई 27 को स्टार्ट हुई थी। लेकिन जो है अभी जो 9 दिसंबर है यहाँ भी एक राउंड किया गया था, क्योंकि सारे क्या कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर स्टूडेंट ज्यादा होते हैं और स्कूल में जो वैकेंसी है वो कम होती है, इस कारण क्या है इंटर्नशिप आगे चलती जाती है। तो जो 27 जुलाई को इंटर्नशिप हुई थी और कई स्टूडेंट रह गए थे उनकी क्या 9 दिसंबर को भी की गई थी, उसके बीच में एक राउंड और हुआ था, ठीक है। तो आपका जो अगला राउंड है वो फर्स्ट ईयर के साथ भी कर सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप पूरी हो जाए उसके बाद में आपका क्या है सेकंड राउंड करें, तो ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि जो फर्स्ट ईयर राउंड के साथ ही आपको करवा दें, तो ये अभी थोड़ा वेट करना होगा जब तक शेड्यूल अपडेट नहीं होता, ठीक है। और जिनको क्या कॉलेज सॉरी स्कूल मिल गई है वो अगले 15 दिन में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। और अलॉटमेंट लेटर प्लस रिलीविंग लेटर और आपके आधार कार्ड वगैरह की कॉपी और एक दो फोटो चाहिए होगी, वो आप क्या है जो आपकी स्कूल है उसमें जाकर दे दें और आज से स्टार्ट कर लें आप, ठीक। अब देखो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप कब से हो सकती है, तो देखो फर्स्ट ईयर का जो नोटिफिकेशन था उसमें 21 मार्च लिखी हुई थी, और लेकिन मैं पहले दिन से ही आपको बता रहा हूँ कि 21 मार्च को आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट नहीं होगी। आपकी इंटर्नशिप जो स्टार्ट होने के सबसे ज्यादा चांस है वो है 1 अप्रैल से, ठीक है। 1 अप्रैल से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी तो जो साला दर्पण है इस पर 21-22 का सेशन ही अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। और मैं हर एक वीडियो में बताता आया हूँ, हाँ हो सकता है कि 21 मार्च दी रखी है नोटिफिकेशन में, लेकिन फिर भी क्या मैं इंटर्नशिप को पिछले साल से कवर कर रहा हूँ, मैं एकदम सही बताऊंगा जो भी आपको बताऊंगा। तो 1 अप्रैल तक चांस है आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होने की फर्स्ट ईयर वालों की, ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों की। और जिसको सेकंड ईयर वालों को नहीं मिली है उनकी फर्स्ट ईयर के साथ भी करवा सकते हैं, या फिर फर्स्ट ईयर की पूरी होने के बाद में आपकी करवा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर की पूरी हो जाती है 24-25 दिन में, तो उसके बाद में आपको क्या करवा सकते हैं। तो अभी सेकंड ईयर वाले वेट करें थोड़ा सा, बाकी फर्स्ट ईयर के आपके 1 अप्रैल तक स्टार्ट होने के पूरे चांस है। तो और भी कोई अपडेट आती है तो मैं जीवा स्टडी पर आपको जरूर बता दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।